डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर डिस्कसिंग सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेफ़्टी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इम्प्लाई के ऊपर लाजम है द वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट स्पोर्ट्स एवरी वर्कर्स राइट टू बी सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस अब ये जो पहला सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर इम्प्लॉई का राइट right है कि वो सेफ़ एनवायरमेंट में रहे और सेफ़ तरीके से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो उसको प्रॉपर वे में काम करे और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बेसिस पे डील करें इट असाइन द रिस्पांसिबिलिटी टू ईच पर्सन इन दर्क प्लेस फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस जब तक एम्प्लाई सेफ हेल्दी वर्क प्लेस को मेंटेन नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी वो बेहतर वे में काम नहीं कर सकता जब आप अपने आप को प्रॉपर मैं एक एग्जाम्पल डी स्टूडेंट्स आपको example, देता हूँ फिर इधर में आपको लेके आता हूँ आप लोग क्रिकेट देखते होंगे क्रिकेट में टेस्ट मैच देखते होंगे टेस्ट मैच में आपने देखा होगा कि जो प्लेयर होता है बैट्समैन उसने बहुत कुछ पहना होता है हेलमेट गॉड अपने वो जो ग्लव्स हैं वो उसके अलावा पैड उसके अलावा थाई के ऊपर अगर देखा जाए तो ग्लव्स के बाद यहाँ पे उसने थाई पहनी होती है या इसके अलावा सम टाइम यहाँ पे भी उसने कुछ चीजें पहनी होती हैं मुकम्मल ही इज कम्प्लीटली कवर्ड वो क्यों ऐसा कर रहा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी इंप्लाई ने किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ परफार्मे जहां प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना लाजम है ही अगर वो नहीं पहनता तो ये प्रॉब्लम का बास बन सकती है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा हुआ उसने ये पहनना है ये उसकी के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही हर सूरत, हर सूरत में उसको ये काम करना है सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंप्लायर इम्प्लाई इंप्लायर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल करे इम्प्लाई की ये ड्यूटीज हैं वो उसको पहने इम्प्लायर तमाम चीज़ें प्रॉपर नई अच्छी कंडीशन की अवेलेबल करे और वो बेस्ट बिफोर यूज़ होनी चाहिए ये ना हो कि एक्सपायर्ड चीज़ें ला के एम्प्लॉ को यूज़ कर रहे हैं नॉर्मली नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट ऐसा नहीं है लेकिन जब एम्प्लॉय उसको यूज़ करे तो उसकी प्रॉपर जो सेफ्टी डेट है उन सब चीज़ों को इंश्योर करे टेकिंग रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल केयर टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ एंड अदर्स हु मे बी मेंफेक्टेड बाई आर ओमेजन्स इम्प्लाई जब इन चीज़ों का ख्याल रखेगा डी एस स्टूडेंट्स सीनियर इंप्लाई ऑटोमेटिकली जूनियर विल फॉलो दीज थिंग्स विद इन दी आर्गनाइजेशन फाइव स्टेप्स टू डिवेल्पिंग एन इफेक्टिव वर्क प्लेस सेफ्टी प्रोग्राम डिमॉन्सट्रेट कंपनीज कमिटमेंट टू वर्क प्लेस सेफ्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर कंपनी की सेफ्टी के साथ कमिटेड ही नहीं है कंपनी सेफ्टी के साथ कमिटेड नहीं है हाउ यू कैन गेट रिजल्ट कंपनी का कमिटड होना सेफ्टी के साथ पहली कंडीशन है असेस वर्क प्लेस अब देखें कि अगर आप रिस्क भी ले रहे हैं कितना ले रहे हैं कहाँ तक ले सकते हैं इस चीज़ को हमने प्रायोरिटाइज करना है कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं लेकिन अनकैलकुलेटेड रिस्क हम नहीं ले सकते कैलकुलेटेड रिस्क के अंदर भी आपको प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट्स पहनने पड़ेंगे एम्फिस इम्प्लाई एजुकेशन इम्प्लीमेंट एंड एवेलुएट इम्प्लाई को अवेयरनेस दें फॉर एग्जाम्पल आप लोग रोड पर जा रहे हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं मोटर बाइक आप हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट इट क्या है पर्सनल प्रोटेक्टिव इंप्लाई को एजुकेट करें आप गाड़ी चला रहे हैं आप सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं क्यों पहनते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स तो ये हर जगह पे ये चीज़ें यूज की जाती हैं अगर इंप्लाई इन चीजों का ख्याल रखे तो काफी हद तक उसकी हेल्थ आपकी बेहतर रह सकती है देन टेन सिंपल कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी रूल्स नंबर वन वीर योर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एट ऑल द टाइम्स डोंट स्टार्ट वर्क द्वस डों

इसलिए हर जगहों पे इनको चेक किया जाता है कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आपने अल्कोहल यूज तो नहीं की हुई अब जो क्वेश्चन है वो ये है इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी लोग प्रॉपर अगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उनकी वजह से बाकी लोग भी सेफ़ रहते हैं फॉलो सेफ्टी साइंस एंड प्रोसीजर्स विद इन दर्गेनाइजेशन नेवर वर्क इन अनसेफ एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अनसेफ एरिया में कभी भी काम ना करें अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं देन यू शुड डू वर्क अगर आप समझते हैं कि ये जो एरिया है ये सेफ नहीं है यू शुड नॉट डू योर वर्क इन दैट एरिया क्यों आप मेंटली वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होंगे यूज द राइट इक्विपमेंट्स इफ इन डाउट आस्क ये जो टेन सिंपल कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी रूल्स हैं ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट के रूल्स हैं ये प्रोडक्शन के नहीं हैं कंस्ट्रक्शन साइट कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है किसी जगह पर तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ये चीज़ें बताने का एक बुनियादी मकसद है सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी प्रोग्राम साइटअप साइट सेटअप ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं और ऑर्गेनाइजेशन अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करेगी तो ये इम्प्लायर और इम्प्लॉय की वजह से पॉसिबल है अगर इन दोनों लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में किसी किस्म का सीरियस एक्सीडेंट नहीं हो सकता